हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं श्रद्धा आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज मैं फिर से एक नई रेसिपी लेके आई हूँ जिसे बनाना बहुत ही आसान है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करें जिससे कि आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम आप सब लोगों के साथ शेयर करने चल रहे हैं पके हुए केले की रेसिपी। कभी कभी हम ज़्यादा केले लेने के कारण उन्हें खा नहीं पाते हैं और वो ज़्यादा गल जाते हैं, उस समय आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा। यहाँ पर हमने दो पके हुए केले लिए हैं, केलों को हमने छील लिया है, अब इसको मैश कर लेते हैं। इसको हम स्पून की सहायता से अच्छे से मैश कर लेंगे। यहाँ पर हमने केले को मैश कर लिया, अब इसमें हम पिसी हुई चीनी ऐड करते हैं, साथ में हम गेहूँ का आटा भी ऐड करेंगे। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसमें मीठे की क्वांटिटी ज़्यादा रखिएगा। आप यहाँ पर एक हिस्सा मीठा और दो हिस्सा आटा लीजिएगा। ज़्यादा मीठा रहेगा तभी बच्चे खाने में ज़्यादा पसंद करेंगे। यहाँ पर हमने आटे को दो बारी में ऐड किया है। आटे को अच्छे से मसलते हुए मिक्स कर लेंगे। हम मसलते हुए सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। अगर आपको डो सूखा लग रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा दूध भी ऐड कर सकते हैं। हमने इसको दूध के साथ गूंधा है, आप पानी भी ले सकते हैं। सॉफ्ट डो तैयार हो गया है, अब हम इसकी छोटी छोटी पूड़ियाँ बनाएंगे। हमें डो को रेस्ट पर नहीं रखना है, इससे क्या होगा कि चीनी मेल्ट होने लगेगी। यहाँ पर हम इसकी लोइयाँ बना लेते हैं। हमने दो पार्ट करके एक का चकला तैयार कर लिया है। बेलन पर और चकले पर ऑयल लगाकर बेल लेंगे। चारों तरफ से बेलते हुए एक बड़ी पूड़ी तैयार कर लेते हैं। पूड़ी को घुमाते हुए अच्छे से बेल लेना है। कहीं पर मोटी और कहीं पर पतली नहीं बेलना है। इस नाश्ते को आप बच्चे के टिफिन में भी दे सकते हैं। एक बार अगर इस नाश्ते को बना लिया तो बच्चे मांग मांग कर खाएंगे। इसके आप पराठे भी बना सकते हैं। पराठे बनाने पर हम इसे स्टोर करके नहीं रख पाएंगे। अगर आप पूड़ी बनाते हैं तो इसको 2 से 3 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं, यह बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। यहाँ पर हमने एक छोटे साइज की गिलासी ले ली है। आप यहाँ पर ग्लास, ग्लासी, ढक्कन या कुकी कटर कुछ भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध हो और आप जैसे शेप में बनाना चाहते हो उस तरह से बना सकते हैं। यहाँ पर हमने सारे पूड़ियों को कट करके निकाल लिया है। आपको छोटी बड़ी जैसी भी पूड़ियाँ पसंद हो आप वैसे बना सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। इधर हमने तेल गरम होने के लिए रख दिया है। यहाँ पर हमको तेल मीडियम गरम चाहिए। पहले हम तेल का टेम्परेचर चेक कर लेंगे, उसके बाद हम एक एक पूड़ियों को तल लेते हैं। यहाँ पर हमने एक साथ 3 पूड़ियों को तला है। हम जैसे जैसे पूड़ियों को तेल में ऐड करते जाते हैं वह फूलती जाती हैं। इस स्टेज पे हम कलछे से पलट देते हैं। इसका कलर गोल्डन ब्राउन होने पर हम इसे तल लेंगे। तलते समय आप क्या करिएगा कि गैस की फ्लेम को लो पर रखिएगा और इस तरह से कलछी से चलाते हुए और उलटते पलटते हुए हम तलेंगे। लो फ्लेम पर तलने पर यह बहुत ही क्रिस्पी बनेंगी। पूड़ियों का कलर चेंज होने लगा है। इस स्टेज पे हम पूड़ियों को तल लेते हैं। तेल गरम है, यहाँ पर हम दूसरा बैच तैयार कर लेंगे। इस बार हम एक साथ 2 पूड़ियों को तलेंगे। गरम तेल को कलछी से उठाकर पूड़ियों पर डालना है और इस तरह से चलाते रहना है। जब आप इस तरह से बनाएंगे तो आपकी सारी पूड़ियाँ फूली फूली बनेंगी।
इस नाश्ते को बनाकर आप कहीं टूर पर जा रहे हैं या ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, कहीं पर भी स्टोर करके ले जा सकते हैं या बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। आप इसको सूखे या ऐसे अचार के साथ भी खा सकते हैं। एक बार इस नाश्ते को बनाकर जरूर से ट्राई कीजिएगा। ये बैच भी हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसको भी निकाल लेंगे। यहाँ पर हमने सारी पूड़ियों को तल लिया है। एक बार आप भी इस नाश्ते को बनाइएगा, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार बनता है। यहाँ पर सारी पूड़ियाँ बहुत ही फूली फूली बहुत ही अच्छी बनी हैं। आप इसको पूड़ी मठरी कुछ भी नाम दे सकते हैं। एक बार आप भी इस नाश्ते को बनाइएगा और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करिएगा कि आपका नाश्ता कैसा बना है। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और नई नई रेसिपी बनाते रहें, खाते रहें।